अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शगफ्ता यास्मीन एंड वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। जी हाँ, फैशन के चक्कर में जो लोग परेशान रहते हैं और जिनको समझ में नहीं आता हमें क्या पहनना चाहिए, हम पर क्या सूट करेगा, तो मैं आपकी मुश्किल को आसान करने आई हूँ और आपके पेन को कम करने आई हूँ, क्योंकि ये है फैशन सेगमेंट। अच्छा जी, फैशन सेगमेंट में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और पहले मैं फैशन के हवाले से थोड़ी सी बात कर लूँ। हम सब जो है फैशन को अलग अलग तरीके से लेते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना ये होता है कि जी अगर ड्रेस को थोड़ा सा हम कम कर देंगे तो वो फैशन में आ जाएगा, वो स्टाइल में आ जाएगा, हम बहुत स्टाइलिश लगेंगे। लेट मी क्लियर, यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर वाजे करना चाहूँगी कि जितने भी लोगों की ये सोच है कि जी आप कपड़ों को घटाते जाएंगे और आप स्टाइलिश होते चले जाएंगे, तो थोड़ी सी ये सोच गलत है मेरे हिसाब से। एज अ फैशन कंसल्टेंट मैं ये कहती हूँ कि स्टाइल जो है वो आपके पूरी बॉडी लैंग्वेज से आ रहा होता है, आपकी पर्सनैलिटी से आ रहा होता है, किस तरह से आपने उस ड्रेस को कैरी किया। अब ड्रेस को कैरी करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। अगर आप शरारा पहन के चलते हैं जिस तरह से आपको वॉक करनी है, साड़ी पहन के जिस तरह से आपको वॉक करनी है, उस तरह से आप जीन्स में वॉक नहीं करेंगे, दोनों का स्टाइल डिफरेंट है। अगर आप उसी तरह से जीन्स वाले स्टाइल में शरारे में वॉक करेंगे तो कहीं ना कहीं आप गिर भी जाएंगे और देखने में भी बहुत बुरे लगेंगे। तो भाई, फैशन का मकसद ये होता है कि एक प्रेजेंटेबल पर्सनैलिटी आपको बनानी है, और फैशन का जो रियल मतलब है वो है चेंज। चेंज चाहिए, अब ये आपके ऊपर है, चेंज पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव चाहिए, कैसा चाहिए। अच्छा, फिर साथ साथ जब हम फैशन की बात करते हैं तो फैमिली बाउंड्रीज भी आती हैं, वैल्यूज भी आती हैं, हम उसके हिसाब से भी अपने फैशन को ऑल्टर कर रहे होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हम इंस्पिरेशन लेते हैं डिफरेंट कंट्रीज से, और डिफरेंट कंट्रीज से जब हम इंस्पिरेशन लेते हैं तो उसके हिसाब से जो है वो हम अपने ड्रेसेस को ऑल्टर करते हैं और डिज़ाइन कर लेते हैं। अच्छा, अब जिस तरह से बोट नेक है तो वो ज़रूरी नहीं कि फैशन में है, आप पे सूट नहीं करता तो आपको पहनना है। तो इसके हवाले से भी एक पूरा शो करूंगी मैं, जिसमें आपको बताऊंगी कि डिफरेंट नेक्स जो हैं वो किस तरह के शोल्डर के लिए, किस तरह की बॉडी के लिए सूटेबल हैं। और अभी जो है वो हम थोड़ा सा ओवरऑल फैशन को डिस्कस करेंगे कि फैशन होता क्या है। फैशन इज अ चेंज, और चेंज लाने के लिए हमें क्या करना होता है कि अकॉर्डिंग टू आवर पर्सनैलिटी चीज़ों को ऑल्टर करना होता है, ये तो एक बात क्लियर हो गई। अच्छा भाई, अब ऑल्टर कैसे करेंगे? बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि जी शॉर्ट शर्ट का फैशन है तो हम भी शॉर्ट शर्ट पहनेंगे। नहीं, शॉर्ट शर्ट आपके लिए अगर नहीं है और आप पे सूट नहीं करती है तो डोंट वेयर इट, क्योंकि अगर आप उसको पहनेंगे तो आप अच्छे नहीं लगेंगे, आप बुरे लगेंगे। लॉन्ग शर्ट भी है, पहले पाकिस्तान का एक ट्रेंड था, बल्कि पूरी दुनिया में एक ट्रेंड चलता रहा कि जी जो चीज़ एक आदमी ने पहनी इन हो गई तो सबके सभी वही पहनेंगे। लेकिन अब फैशन सेंस जो है वो लोगों का बहुत डेवलप हो गया है, और वजह यह है कि मीडिया बहुत स्ट्रांग है। तो कहते हैं कि आप जो हैं अपने हिसाब से ड्रेसिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हर चीज़ इन है, कोई चीज़ भी आउट नहीं है। हाँ, उसमें से कोई एक चीज़ हाईलाइट होती है कि भाई अभी जो है वो पोंजो का फैशन है, पहनना चाहें तो पहने, नहीं पहनना चाह रहे तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। इस तरह से चूड़ीदार पजामा है, तो जो लोग चूड़ीदार पजामा पहनना चाहते हैं वो आज भी पहनते हैं। जरूरी नहीं कि आप पैरेलल पहन लें, जरूरी नहीं कि आप बॉक्स पैंट्स पहन लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, आगे शोज में हम ये बात भी करेंगे, बेल शेप पैंट्स हैं वो किन लोगों पर सूट करती है, तो ये बात भी करेंगे। फिर कॉलेज का फैशन थोड़ा सा सेपरेट होता है, टीनेजर गर्ल्स जो होती हैं थोड़ा सा डिफरेंट फैशन जो है वो कर रही होती हैं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम जब अपने लिए ड्रेस डिज़ाइन करते हैं हम बड़े कंफ्यूज होते हैं, करें तो क्या करें, किस तरह से करें, तो उसके लिए आप बिल्कुल गाइडलाइन दे सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से भी गाइडलाइन दे सकते हैं, और ज़रूरी नहीं एग्जैक्ट कॉपी मत कीजिए, इंस्पिरेशन जरूर लीजिए। इंस्पिरेशन लेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। अच्छा जी, एज अ फैशन कंसल्टेंट मैं ये आपको सजेस्ट करूंगी कि दो कलर्स आपके पास हमेशा होने चाहिए, एक वाइट और एक ब्लैक। ठीक है, क्यों होने चाहिए? ये दो कभी भी फैशन से आउट नहीं होते, ये फैशन में रहते हैं हमेशा, ऑलवेज इन, तो कभी भी ये फैशन से तो बाहर नहीं जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप इन दो कलर्स को जो है ज़रूर अपने वार्डरोब में रखें, ताकि आपको स्टाइलिंग करने में या कहीं आपको जाना है और अभी आपके पास कोई इस तरह का ड्रेस नहीं है तो ब्लैक कलर एक ऐसा कलर है जो कि आप फटाफट उठा के वेयर कर लें। हल्का सा आपको मेकअप करना होगा, ब्लैक कलर की जो क्वालिटी होती है वो यही होती है कि वो आपको एक बड़ा अच्छा सा ग्लो आपके चेहरे पर दे देता है, आपको लुक देता है, स्लिम लुक भी आ रही होती है।
शूज की अगर हम बात कर लें, या शूज के पेयर ऑफ शूज जो हैं वो आपके पास तीन होने चाहिए। एक आपके पास क्रीम कलर का होना चाहिए, एक वाइट कलर का होना चाहिए और ब्लैक कलर का होना चाहिए। ये तीन अगर आपके पास शूज मौजूद हैं या हील्स मौजूद हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा तैयार होना। और बहुत सी लड़कियां हैं जो टॉप पहनने की शौकीन होती हैं और जीन्स वेयर कर ली, यंग गर्ल्स भी जीन्स वेयर कर रही होती हैं और उसके ऊपर टॉप चेंज करते रहे। फैशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, फैशन आपके सोसाइटी के हिसाब से आपको करना होता है, शुड बी एक्सेप्टेबल बाय दिस सोसाइटी, मतलब उसकी एक एक्सेप्टेंस भी हो सोसाइटी में। अब जो फैशन यूरोप में चल रहा है वो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी सोसाइटी में उस चीज़ की एक्सेप्टेंस नहीं है। फिर साथ साथ आपको ये देखना पड़ता है कि आप जा कहाँ रहे हैं। ड्रेसिंग उसी तरीके से होती है जिस जगह पर आपको जाना होता है, तो आप उसके लिहाज से ड्रेसिंग कर रहे होते हैं। अब शादी में आप लॉन का सूट पहन के तो नहीं जाएंगे, ठीक है ना, या जाएंगे? नहीं जाएंगे। हाँ, अगर लॉन का कोई सूट ऐसा डिजाइन हुआ हुआ है जो कि बड़ा डेकोरेटिव सा है, एम्ब्रॉयडर्ड है और दोपहर की शादी है, तो आप कहेंगे हाँ ये बड़ा एम्ब्रॉयडर्ड सा है, इसका दुपट्टा भी बड़ा अच्छा है, तो मैं ऐसा करती हूँ मैं इसको पहन लेती हूँ। लेकिन वैसे जो है ना, आप यूजुअली शादियों के लिए बड़े अच्छे किस्म के डिजाइन किए हुए या ब्राइट कलर्स हैं, इस तरह के कलर्स रखते हैं, मटेरियल भी उसका डिफरेंट होता है। आप जॉर्जेट की तरफ जाते हैं, आप जो है वो सिल्क की तरफ जाएंगे, सर्दियां हैं तो वेलवेट की तरफ जाएंगे, तो इस तरह की चीजें होती हैं जो कि हम शादी में वेयर करना चाहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो आप भरा हुआ सूट पहन के तो नहीं जाएंगे ना, यानी एम्ब्रॉयडर्ड सूट भरा हुआ पहन के, और जो शादी में पहन के जाते हैं वो तो नहीं पहन के जाएंगे। तो देखना पड़ता है कि आप जा कहाँ रहे हैं। फिर उसके बाद जो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है फैशन में कि भाई आप कि जो कन्वेंस है वो आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, तो हमें उसके हिसाब से भी अपने ड्रेसेस को बड़ा ऑल्टर करना होता है। ये मैं बात कर रही हूँ इस वक्त जो मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान के हवाले से कर रही हूँ। डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट रुझान है, लेकिन उनके भी यूरोप में अगर आप देख लें तो उनके डिनर के ड्रेसेस अलग होते हैं। यूजुअली जब वो ऑफिस जा रही होती हैं तो उनके ड्रेसेस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, तो वहाँ से भी आपको बहुत आइडियाज़ मिल सकते हैं। हमारे यहाँ इस वक्त बड़ा लॉन्ग स्कर्ट का फैशन जो है वो इन हुआ हुआ है। अब लॉन्ग स्कर्ट आप बिल्कुल पहन सकते हैं, लेकिन फिर उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि आपको हैवी नहीं होना है, अपने अपने वज़न को फिर कंट्रोल में थोड़ा सा रखिए, क्योंकि लॉन्ग स्कर्ट अगर आप पहन रहे हैं और आपका वज़न ज़्यादा है तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है, वो ये आती है कि और वो चकोर सा है या थोड़ा सा कहना चाहिए कि गैदर्स के साथ है, तो फिर वो आपकी बॉडी में बल्क ऐड कर देगा। तो इन चीज़ों का हमें फैशन करते हुए ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ जो एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि आप ज्वेलरी किस तरह की पहन रहे हैं। फैशन जब आप कर रहे हैं, आप ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो आप ज्वेलरी किस तरह की पहन रहे हैं। अच्छा, हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि आप कानों में कुछ डाल लें। जिस तरह मैंने अभी बाल अपने रखे हुए हैं तो मैंने कानों में कुछ नहीं पहना हुआ, क्योंकि इसको पहनने का फ़ायदा नहीं, मैंने तो बाल यूं करके रख लिया और ये मेरे कान छुप गए, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं कान में कोई भारी सी चीज़ पहनूं, बस ये बालों ने ही उसको कवर कर लिया है, ठीक है। हाँ, बहुत अगर मेरा दिल चाह रहा है मैं कहीं बाहर जा रही हूँ तो मैं कोई नेकलेस डाल लूँगी, कोई लॉकेट डाल लूँगी, अच्छा सा जो है वो लुक आ जाए। तो इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। दिन की जो ड्रेसिंग होती है वो ज़रा सी डिफरेंट होती है, इसी तरह से दिन का जो मेकअप होता है वो आपका डिफरेंट होता है, और रात में जो आप मेकअप कर रहे होते हैं वो डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि वजह ये होती है, दिन में इतनी ब्राइट लाइट्स होती हैं, अगर आप बहुत हैवी मेकअप करके चले जाएंगे तो आपका एक तो लुक भी अच्छा नहीं लगेगा, देखने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा, और आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तो ये जो फैशन सेगमेंट है इसमें आपको मैं ब्यूटी के हवाले से भी बताऊंगी, क्योंकि फैशन में तो तमाम चीज़ें आती हैं, शूज़ के हवाले से भी बताऊंगी, और उसके अलावा ज्वेलरी को भी हम शेयर करेंगे। फिर और बहुत कुछ है इस सेगमेंट में, जिस तरह से आप इस सेगमेंट को देखते चले जाएंगे आपको रोज आना एक नई नई चीज़ जो है वो पता चलती चली जाएगी। फिर मैं आपको बताऊंगी कि भाई एक जो प्रॉपर शेप नहीं आ रहा होता ड्रेस का, वो क्यों नहीं आ रहा होता, क्या वजूहात होती हैं, तमाम चीज़ें मैं शेयर करूंगी फैशन सेगमेंट में आपके साथ। और जितनी भी मेरी फैशन की नॉलेज है, बिकॉज मेरा मास्टर्स फैशन में है, तो मेरे पास जितनी नॉलेज है वो मैं आप तक ज़रूर ट्रांसफ़र करूंगी। और आप इससे कुछ गेन करना चाहते हैं तो बिल्कुल गेन कर सकते हैं, अपने फैशन सेंस को डेवलप कर सकते हैं और इसके साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी को भी ग्रूम कर सकते हैं। मैं ये भी बताऊंगी कि हाउ टू ग्रूम योर पर्सनैलिटी, तो मेरे साथ रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जी हाँ पेनलेस टीवी को सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो फैशन का एक पेन हो रहा होता है वो आप लोगों का थोड़ा कम हो जाए और आप लोग हैप्पी लाइफ की तरफ आ जाएं।
तो इसके साथ ही शिगफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।